दोस्तों हरिद्वार हर की पौड़ी। सुबह 5:30 बजे, अभी 12:30 बज रही है। खाना खाया है अभी। ये लोग नीचे लूडो खेल रहे हैं, मैं ऊपर लेटा हुआ हूँ। ये तकिया इतना गर्म हो रहा है क्योंकि बाहर है जो आप देख सकते हो, ज़बरदस्त गर्मी हो रही है। खतरनाक, सब कुछ तप रहा है क्योंकि बाहर बहुत ज़बरदस्त धूप है। 43-45 के आसपास टेम्परेचर होगा। लास्ट स्टेशन था ब्यावरा, जहाँ पर पीने के लिए पानी मिल गया अच्छा ठंडा वाला केन का, और पंखे भी गर्म हवा फेंक रहे हैं। ये पंखे रानी और लक्ष्मण नीचे बैठे हैं, तो वो भी दोनों गेम खेल रहे हैं। कल का दिन हरिद्वार में रहेगा पहला, और उसके बाद में फिर यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ से दर्शन होते जाएंगे। तो आंटी जी ने हमें राजगिरे के लड्डू बांटे हैं। कितने सारे हैं? समय सहारनपुर, सहारनपुर रेलवे स्टेशन, और यहाँ से अब बाय बस जाएंगे हम हरिद्वार। देन हरिद्वार से ही स्टार्ट होगी सारी जर्नी। एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जो मेन टूरिज्म है वो स्टार्ट होगा हरिद्वार से। आज है 13 तारीख, हो रही है समय सुबह की चार बज रही है, और हम सहारनपुर पहुँचे हैं अभी। देखते हैं क्या होता है। और रेलवे जर्नी के बारे में क्या बताऊँ, भयंकर गर्मी, गाड़ी पूरी भट्टी जैसी तप रही थी पूरी गाड़ी। अगर आप गर्मी में ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में, तो थर्ड एसी में ही करना, स्लीपर में मत करना, वरना आपको ऐसा लगे जैसे आप तंदूर में बैठे हो। सहारनपुर ये खड़ी अपनी पार्टी यहाँ पर, ये सभी अपन साथ में ही है 93% है। हेलो दोस्तों, सहारनपुर में आए हुए हमें 2 घंटे हो चुके हैं, और अब बज रही है 5:45। अब हम बस में बैठकर जा रहे हैं हरिद्वार। पूरी बस बुक कर ली है, झकास। तो सहारनपुर से हम आ चुके हैं हरिद्वार, और बहुत ही घटिया सर्विस, बहुत ही तकलीफ़ों को झेलते हुए, मतलब कोई बस की व्यवस्था नहीं थी। हम सरकारी बस में बैठकर आए हैं। ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच में कुछ खुश करने वाली चीज़ें भी होती है, जैसे ये कटहल का पेड़ है। इतने सारे कटहल यहाँ लगे हैं, ये कटहल लगे हुए हैं। वहाँ पीछे आम का पेड़ है, आम का पूरा बाग है, और इधर पीछे लीची का पेड़ है जिसमें काफ़ी सारी लीचियाँ लगी है, पीली और हरी है, अभी पकी नहीं है। लक्ष्य और मधुर यहाँ पे चाय पी रहे हैं। हाय गाइस। हाँ मामा जी, वो मामा जी ब्रश कर रहे हैं वहाँ पर, मामा जी ब्रश कर रहे हैं। बस अभी आए हैं यार, सुबह का ही टाइम है, अभी बज रही है करीब 7 बज रही होगी। हमने अभी सिर्फ चाय पी है, ब्रश तो हमने कर लिया था सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से नहाना है, तो सोच रहे हैं नहाने के लिए सीधे घाट पे ही चले जाएंगे, गंगा घाट पे, और वहाँ पर नहाएंगे। तब तक थोड़े से नज़ारों का आनंद, थोड़े से जगह के मज़े। यह आ गए मामा जी और अंशु ब्रश करते हुए। इनके सफ़ेद सफ़ेद गोरे गोरे होठों को नज़रअंदाज कर दीजिएगा। और अंशु भाग गई। अरे क्या गजब की जगह है मामा जी। ये है लीची का पेड़,
लीची लगी है कच्ची कच्ची, वहाँ पे तीन पक्की है और कटहल ही कटहल। हाँ हाँ, कितनी प्यारी जगह है ना, गार्डन है पूरा। हरिद्वार।